डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने देखा होगा, उसमें वो ये सिंप्लीफिकेशन का हमने एक पहली शुरुआत की है और मैं पक्का मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधा रहेगी। भारत की न्याय व्यवस्था में मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और मैं चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे। देखिए इतने से काम में 75 साल लग गए और ऐसे के लिए इसके लिए भी मुझे आना पड़ा। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है। इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी। कोई पेशेंट हो ना, अगर डॉक्टर भी पेशेंट की भाषा में उसे बात करे तो आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाती है। बस यहां ये मामला बाकी है। साथियों, हम टेक्नोलॉजी से, रिफॉर्म से, न्यू जुडिशियल प्रैक्टिसेस से कानूनी प्रक्रिया को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस पर निरंतर काम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने जुडिशियरी सिस्टम के सामने बड़े एवेन्यूज बना दिए हैं। थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ही हमारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स सेक्टर को बहुत बड़ा बूम दिया है। ऐसे में लीगल प्रोफेशनल से जुड़े लोगों को भी इस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से ज्यादा जुड़ना होगा। मैं आशा करता हूं कि इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस न्यायिक व्यवस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मैं इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस सफल कार्यक्रम के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।